हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया है आपका चैप्टर नंबर एट है आपके साइंस के चैप्टर का फिजिकल uh, साइंस का uh, matter, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुण में हमने एक वीडियो को कवर किया था एक वीडियो में हमने uh, आवर सारणी का संक्षिप्त इतिहास पढ़ा था मीन्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल में डोवनर का पढ़ा था डोवेनर ट्राइड और न्यूलैंड का अष्टक नियम और लोथर मेयर साहब का कर पढ़ा था आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से उसके बाद बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ मैंडलिफ के पीरियडिक लॉ आने के बाद चूँकि हम लोग क्या जानते थे कि 1869 में दो साइंटिस्ट काम कर रहे थे लोथर मेयर साहब और मैंडलिफ भी लेकिन उस समय तक केवल सिक्सटी एलिमेंट्स की ही खोज हो चुकी है खोज हो चुकी थी सिक्सटी एलिमेंट्स वे नोन और उसी उसी के आधार पर मैंडलिफ ने आ, एक पीरियडिक टेबल बनाया एक टेबल की रचना की उन्होंने क्या किया कि कि कुछ एलिमेंट्स के सेलेक्ट करते गए और उनकी जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी यानी जिनकी प्रॉपर्टीज समान थी जिनके गुण समान थे उनको वो सेलेक्ट करते गए और उन सारे एलिमेंट्स को कार्ड्स uh, कार्ड्स के ऊपर वॉल के ऊपर कार्ड्स के जरिए कार्ड्स के जरिए सेलेक्ट करते गए और कार्ड के उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते गए और कार्ड को uh, दीवार पर पिन करते गए जिससे क्या हुआ कि कुछ कुछ पिन करने के बाद उनको एक टेबल फॉर्म में मिला जिसको का नाम दिया गया। ठीक है? उन्होंने, uh, किसके आधार पर किया, मास के पर किया जितना जिसका एटॉमिक मास बढ़ते क्रम में सजाए ठीक है ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में सजाते गए और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी उसके बाद उन्होंने देखा कि मैंफ ने कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उन्होंने देखा कि जो कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बन रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है एक बहुत रिएक्टिव मेटल है तो उन्होंने इसी आधार पर ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव चूंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और फॉर्म कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट्स और वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ भी बहुत सारे कंपाउंड यानी यौगिक की रचना करते हैं द हाइड्रोजन द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रेट्स फॉर्म बाई एलिमेंट वे आर ट्रीटेड एज ऑन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बहुत चूँकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स जो एलिमेंट्स के साथ बने वो उस एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हुई उनकी वास्तविक वास्तविक उनका गुण हुआ ठीक है तो उन्होंने सिक्सटी थ्री कार्ड्स के आधार पर उस सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स को उन्होंने टेबलर फॉर्म में सजाया और एक पीरियोडिक टेबल बनाया आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल हमें वास्तव में क्या कहता है हमें कहता है क्या कि तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के यानी एटॉमिक मास के आवर्त फलन होते हैं यानी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं यदि आप तत्वों के परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के परमाणु भार के अवर्त फलन होते हैं ठीक है तो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो वे तत्व जिनके गुण समान होंगे यानी जिनके त, जिन तत्वों के गुण समान होंगे वे एक निश्चित निश्चित अंतराल के बाद आते जाएंगे ठीक है एक रिकरेंस हो रहा है कि आप देखेंगे कि जब मैंडलिव के प्रोडिक्टेबल में कुछ जैसे सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन को रखा लिथियम बेरेलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन उसके बाद उन्होंने देखा कि जो मेटल आया जो सोडियम था लिथियम के नीचे वाला हिस्सा वो सोडियम से मिलता जुलता था इसलिए उन्होंने लिथियम के नीचे किसका रखा सोडियम को रखा तो उन्होंने बस बेसिक प्रॉपर्टीज यानी कि जो भौतिक और रसायनिक गुणों के आधार पर उनके एटॉमिक मास को रखा ठीक है अभी हम लोग बहुत कुछ जानेंगे तो मैंडलिव प्रियोडिक्स मैंडिव प्रोवाइड्स डलिप प्रोवाइड्स टेबल हमें क्या कहता है हमें कहता है प्रोपर्टीज़िकोपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटोमिक मासेस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ऑटोमिक मासेस के यानी कि एट द टाइम एट दट टाइम सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स वे नॉन तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिकुण उनके परमाणु भारों के अवर्तफलन होते हैं यानी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो जो प्रॉपर्टीज हुआ वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज था वो किस पर डिपेंड करता था उनके एटॉमिक मास पर फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स क्या हुआ डेंसिटी हुआ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हुआ और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हुआ कि केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स द दे आर हाउ एन एलिमेंट रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट्स किस तरह से एक एलिमेंट element, दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ एमंग केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या थे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते मेटल हैं और फॉर्म कंपाउंड विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट और वो केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे वो तो उनके हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स बहुत सारे मिल के बनते थे बहुत सारे कंपाउंडस के हाथों बनाते थे इसीलिए चूंकि क्योंकि ऑक्सीजन uh, और हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव मेटल हैं

और एट टू सेवन तक उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया वन को जैसे ए और बी में डिवाइड किया टू को ए और बी में डिवाइड किया इस तरह से सेवन तक उन्होंने डिवाइड किया जिसको सब ग्रुप का नाम दिया ठीक है और जो एट ग्रुप को एट ग्रुप को कोई भी ग्रुप का नाम एट ग्रुप में कोई सब ग्रुप का नाम नहीं दिया गया उस समय जब बैंडलिव के टाइम में जब वो प्रिडिक्टेबल बनाए तो उस समय नॉवल गैसेस या इनर्ट गैसेस का कोई अस्तित्व नहीं था उस समय उनकी खोज नहीं हुई थी इसलिए वो टेबल बना नहीं ठीक है सम सब ग्रुप हैव सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो सब जो सेम सब ग्रुप के उनके जो प्रॉपर्टीज होते थे उनके जो गुण होते थे वो भी सेम ही होते थे और उनकी वैलेंसी भी सेम सिमिलर ही होती थी उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग यानी जैसा ग्रुप यानी वन ग्रुप का तो वन वैलेंसी भी होगी उनकी सेम वैलेंसी भी होती थी जैसे कि ग्रुप वन की वैलेंसी वन हुई सेम ग्रुप और सेम वैलेंसी जैसे ग्रुप ए और बी जिसकी वैलेंसी वन हुई ग्रुप आ, टू की वैलेंसी ए और बी की टू हुई ग्रुप थ्री की ए और बी की वैलेंसी थ्री हुई ग्रुप फोर की ए और बी की वैलेंसी फोर हुई लेकिन आफ्टर ग्रुप फोर जब फाइव में आया तो आफ्टर ग्रुप फोर द वैलेंसी इज डिक्रीजिंग लाइक क्योंकि एट एट क्या बनाया था एक एट वर्टिकल कॉलम बनाया था वर्टिकल कॉलम आप कैसे समझेंगे जैसे ये एट ई वर्टिकल कॉलम है ठीक है ये एट वर्टिकल कॉलम बनाया हाँ इस तरह से वर्टिकल कॉलम बनाया और तो जो एट वर्टिकल कॉलम्स थे उनमें उनको डिवाइड किया किसमें उनको डिवाइड किया इस तरह से कॉलम बना के ठीक है इस तरह से कॉलम बना के ए बी ए और बी ए और बी इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया प्रत्येक को और जो प्रत्येक का जो ग्रुप वन का ग्रुप टू का ग्रुप थ्री का तो जब ग्रुप वन का टू का थ्री का फोर का इनका जो बैलेंसी क्या हुआ वन टू और थ्री फोर हुआ क्योंकि उनकी सेम बैलेंसी आर सिमिलर विद द सेम ग्रुप उनके टेबल uh, के अनुसार उसके बाद जैसे ही ग्रुप फोर आया फोर के बाद जो बैलेंसी डिक्रीज करने लगा क्योंकि एट ग्रुप था तो एट वर्टिकल कॉलम के अकॉर्डिंग एट एट माइनस फाइव जब फाइव ग्रुप आया तो तो वैलेंसी कितनी हुई थ्री हुई अब यहाँ पर जो फोर ग्रुप तक बढ़ते बढ़ते जो वैलेंसी चली गई थी अब यहाँ से वैलेंसी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है वहाँ से हम वैलेंसी हमें क्या मिला हमें वैलेंसी यहाँ तक इंक्रीज़ होते हुए मिला है ग्रुप के अकॉर्डिंग उसके बाद जो वैलेंसी जो मिला हमें ग्रुप फोर के बाद फाइव में ये थ्री मिला टू मिला फिर वन मिला ठीक है सेवन हॉरिजेंटल रोज आज कॉल सेवन पीरियड तो उसके बाद जो ये जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप का नाम दिया गया और जो सेवन हॉरिजेंटल कॉलम्स हुए इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स को इस तरह के भारे जो वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप का नाम दिया गया और इस तरह के रोज को हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स का नाम दिया गया ठीक है ये इस तरह से ग्रुप वन हुआ ग्रुप टू हुआ ग्रुप थ्री हुआ इस तरह से और ये वर्टिकल ये हॉरिजेंटल कॉलम को इस हॉरिजेंटल कॉलम को पीरियड्स का नाम दिया गया ठीक है तो यहाँ पर सेवन हॉडिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड दैट इज़ सेवन पीरियड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यू विल फाइंड अ मेटल टू नॉन मेटल इन एनी पीरियड यदि आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे अपने पीरियोडिक टेबल में मैंडलिप के पीडिक टेबल में तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा सबसे पहले मेटल मिलेगा फिर उसके बाद ऐसा ऐसा एट द टाइम मतलब लेफ्ट टू राइट जाते आपको क्या मिलेगा नॉन मेटल आते जाएगा फ्यू अब ये हम लोग सिर्फ मेडलिप के पीरियोडिक टेबल से इतना हमें मिला अब उनकी अचीवमेंट्स क्या थे वो ऐसे साइंटिस्ट थे एक ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि एलिमेंट्स के बारे में क्योंकि उस समय बहुत सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स ही खोज हुए थे तो लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स अभी खोज होने बाकी थे जिनके बारे में लेकिन इसके बारे में वो भविष्यवाणी यानी प्रडिक्शन उनका पहले ही जो निकाल रखे थे बोल रखे थे अभी वो सारे जो भविष्यवाणी जो किए थे अपने प्रेबल में वो सभी के सभी बाद में सच हुए ठीक है तो उनके फ्यू अचीवमेंट्स क्या क्या थी इन इज प्रेबल इम्पटी स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एनिमल एलिमेंट्स के लिए भी उन्होंने एक इम्पटी स्पेस रखा था ठीक है एक इमटी स्पेस रखा था और जिसका नाम उन्होंने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ एका एलमोनियम विथ विल बी मेटल फ्रॉम अल्मोनियम जिनका जो प्रॉपर्टीज एका एका एक संस्कृत वर्ड है जो कि जिसका मतलब हुआ कि जो अल्मोनियम के साथ अलमोनियम के बाद जो मेटल या जो भी एलिमेंट्स जो ढूंढा जाएगा जो मिलेगा उसका उन्होंने एका एक अलमोनीय का नाम दिया उसकी प्रॉपर्टीज किसे सिमिलर होगी अल्मोनीम के साथ से सिमिलर होगी उसके बाद जैसे एका अल्मोनीयम तो एक अल्मोनियम के बाद हमें जो मिला जो वो गैलियम मिला उसके बाद एक का मिला जर्मेनियम मिला एक का मिला स्कैंडियम मिला उसके बाद उनकी और क्या अचीवमेंट थी उनकी और अचीवमेंट थी कि गोल्ड इज देन बिकॉज़ करेक्शन ऑफ़ एटॉमिक मासेस उनके अचीवमेंट के अकॉर्डिंग ही सारे जो एटॉमिक मास के आधार पर उनके एटॉमिक मास के आधार पर बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को भी करेक्शन दिया गया करेक्ट किया गया उनके आधार पर ही उनके प्रोविट टेबल के आधार पर ही हम लोग पहले क्या जानते थे कि आ, प्लेटिनम ज़्यादा भारी होता है प्लेटिनियम ज़्यादा भारी होता है लेकिन उनके एटॉमिक मास के से हमें पता चला है कि गोल्ड प्लेटिनम से ज़्यादा भारी होता है ठीक है तो मैंडलिव साहब के कुछ एडवांटेजेस भी थे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सब कुछ बता रखे थे बहुत सारे एलिमेंट्स की जानकारी उन्हीं के जरिए हमें मिली मीन्स सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स तो था ही बाद में भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिले जिनके गुणों को पहले ही बता दिया गया तो मेरिट क्या था डिस एडवांटेजेस क्या थे मैंडली साहब के इतना अच्छा प्रयोग टेबल बनाने के बाद भी फिर से क्यों मोस्टली जो साइंटिस्ट थे वो फिर से क्यों इसमें करेक्शन किए तो कारण यही था कि ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स उन्होंने ऐसे ग्रुपिंग कब कर रखे थे जो जिस एलिमेंट्स की सिर्फ उनके गुण ही गुण के आधार पर ही किया गया था तो कॉपर और सिल्वर और, और गोल्ड एक ही साथ उन्होंने ग्रुपिंग कर रखा था जबकि सोडियम पोटेशियम लिथियम के साथ सोडियम पोटेशियम लिथियम के साथ उन्होंने इस कॉपर uh, सिल्वर और गोल्ड को ग्रुपिंग कर रखे थे जिनकी सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड इन डिफरेंट ग्रुप्स जो कि गोल्ड uh, और प्लेटिनम उनके सिमिलर एलिमेंट्स होते हुए भी उन्होंने डिफरेंट ग्रुप में कर रखे थे ये चूँकि एक मेटल है और गोल्ड और प्लेटिनम के साथ तो उन्होंने अलग अलग ग्रुपिंग में कर रखे थे उस समय जब आइसोटोप्स के बारे में डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय आइसोटोप्स के बारे में जानकारी नहीं हुई थी तो आइसोटोप्स जब बना आइसोटोप्स के बारे में जब जानकारी हुई तो एक एलिमेंट्स के बहुत सारे आइसोटोप्स हो गए जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल वन एच वन वन एच टू वन एच थ्री हाइड्रोजन का हुआ उसी तरह से सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ऑक्सीजन के हुए क्योंकि एटॉमिक मासेस थे तो उस समय जब ऐसा किया गया ये जो टेबल बना था तो एटॉमिक मास के आधार पे बना था यानी एटॉमिक मास के आधार पे बनने के बाद भी जब आइसोटोप्स आया तो फिर उनका ग्रुपिंग कहाँ किया जाएगा उनको किस ग्रुप में रखा जाएगा इसलिए आ, ये मैंडलिप का लॉ यहाँ पर थोड़ा ये इनको डीमेरिट मिला उसके बाद सो द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स विल बी चैलेंज इन हिज टेबल बिकॉज हिस्टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास एटॉमिक मास के आधार पर था इसीलिए आइसोटोब्स का जो प्लेसमेंट था उनका पोजिशन था वो यहाँ पर उनका प्रोडक्टेबल नहीं दे पा रहा था फिर पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्टेबल पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का पोजिशन प्रिडक्टेबल में कोई फिक्स पोजिशन नहीं बता रहा था क्यों क्योंकि हाइड्रोजन लाइक like, uh, हाइड्रोजन हेलोजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक मोलिक्यूल हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है हेलोजोन की हैलोजन की तरह तो चूंकि उस समय तो इनर गैस की खोज नहीं हुई थी मैंडलिप्स आपके टाइम में और विथ नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ये नॉन मेटल्स के साथ कोबेलेंट बॉन्ड भी बनाता है लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कैन कॉम्बाइंड हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ अल्कली मेटल किस तरह ही हाइड्रोजन कॉम्बाइंड विद ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर फॉर्मूला ऐसे अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन भी कंबाइन करता है ऑक्सीजन और सल्फर के साथ और क्या बनाता है सिमिलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स बनाता है ठीक है तो कुछ ये डीमेरिट भी था और भी ऐसे थे जिसके आधार पर उनको जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट को एक ही साथ उन्होंने रख रखे थे आ आयरन को कोबाल्ट को और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनकी एटॉमिक मासेस ज़्यादा थे फिर भी उनको आगे पीछे करके रख रखे थे मीन्स जिसका कुछ जिनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर रखे थे तो कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कम था उनको पहले रखे थे सॉरी जिनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर रखे थे तो कुछ एलिमेंट्स के ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास ज़्यादा थे उनको पहले रखे थे और जिनके एटॉमिक मास कम थे उनको बाद में रखे थे तो ये सब उनका डिमेरिट अपने ही जिस लॉ के आधार पर वो आवर सारणी पूरी तैयार हो रही थी यहाँ पर अपने ही लॉ को उन्होंने खुद से खंडन किया यानी कि जो एटॉमिक मास के आधार पर पेरिक टेबल बना था वहाँ पर कहीं कहीं पर इन्होंने एक प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर कराने के लिए उस चीज़ का इन्होंने खुद से ही खंडन किया था समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे हुआ जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको जैसे निकेल और कोबाल्ट का हुआ तो कोबाल्ट की जो एटॉमिक मास था वो फिफ्टी एट पॉइंट नाइन थ्री था और जबकि निकेल का फिफ्टी एट पॉइंट सेवन वन था तो पहले उन्होंने कोबाल्ट को रखा बाद में निकेल को रखा तो इस तरह से कुछ अपने ही आवर्त सारणी का गुणों को उन्होंने खंडन किया था तो इस आधार पर बाद में मैंडलिप की आवर्त सारणी को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया मोसले ने बनाया तो उसके लिए हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से मैंडलिप की आवर्स आधुनिक आवर्स सारणी बनी ठीक है यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने हिंदी में समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है फिर भी कहीं रुक जाते हैं और कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए और हमें जरूर शेयर करिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए आपके इस एक छोटे से शेयर करने से हमारे हमें बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिए हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ओके थैंक यू बाय